अस्सलाम वालेकुम गैस, मेरा नाम है सैयद सादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद सादी। तो गैस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ एंड स्क्रीन। तो गैस आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है एंड स्क्रीन बनाने वाले हैं, जो हम अपने यूट्यूब के एंड पर लगाते हैं एंड स्क्रीन और वीडियोज़ दिखाने के लिए। तो ये वन जो है आज हम एंड स्क्रीन बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी पिक्सेल लैब। अगर पिक्सेल लैब आपके पास नहीं है तो आप इसको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है हम अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। तो गैस उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा हमारे सामने, हमने न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। उसके बाद गैस आपको ये ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर हमें जो है क्लिक करना है। गैस उसके बाद आपको इमेज साइज नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। कस्टम पर हमने क्लिक करके यहाँ से यूट्यूब थंबनेल का साइज चूज़ कर लेना है। तो गैस उसके बाद हमें क्या करना है, सीधा ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको शेप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो है एक शेप आ जाएगी, इसको हम यहाँ से टिक करेंगे। तो गैस उसके बाद हमें इसको कुछ इतना बड़ा करना है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको 2-3 किस्म की एंड स्क्रीन बनाना सिखाऊंगा अभी। तो उसके बाद इसको कुछ इस तरह सेंटर में करके, तो यहाँ लेयर पर क्लिक करके इसको लॉक कर देंगे। तो गैस उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हम दोबारा शेप लेंगे। तो इसको भी जो है हम कुछ इसी तरीके से करेंगे। तो इसका कलर मैं यहाँ से फिलहाल के लिए चेंज कर लेता हूँ। तो ऐसा कलर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख लेता हूँ और इस रियल को मैं इससे नीचे ले जाता हूँ। तो इसको भी मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। उसके बाद वाइट वाली लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको सर्कल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से स्ट्रोक नज़र आ रहा है, स्ट्रोक को आपने इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ से एक ब्लैक कलर कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ से टिक करेंगे, बीच में एक कलर आ जाएगा। तो अब जो है लेयर पे क्लिक करके हम जो है वाइट वाली को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो कहते उसके बाद मैं इसको यहाँ से इसको सबसे पहले मैं लॉक कर लेता हूँ। तो इसका मैं यहाँ से कोई भी कलर कर लूँगा, यहाँ से मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं इसका साइज कुछ छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। तो गैस उसके बाद इसको अनलॉक करेंगे, इसको भी हम कुछ इसका साइज बढ़ा देंगे। उसके बाद इन दोनों को हम लॉक कर लेंगे। तो गैस उसके बाद जो है अभी मैं ऊपर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके एक और शेप लूँगा यहाँ से। तो इसको मैं कुछ इस तरह वीडियो के हिसाब से जो है शेप दूँगा जिस पर हमारी वीडियो लगी है। उसके बाद मैं इसको कुछ इतना बड़ा करके यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो गैस उसके बाद सीधा हम नीचे जाएंगे, आपको स्ट्रोक पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। और इनेबल करने के बाद आपको ब्लैक कलर करना है। तो उसके नीचे ही आपको यहाँ पर एक शेडो ऑप्शन मिलेगा, इसको आपने इनेबल कर लेना है और इस पर आपको ब्लैक कलर कर देना है। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ दोबारा क्लिक करेंगे, लेयर पर क्लिक करके आपको पेंसिल वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और नीचे वाले लेयर को आपने लॉक कर लेना है। तो उसके बाद मैं इसको भी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गैस इसको भी फिर लॉक करेंगे। उसके बाद हमें प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके शेप्स पर क्लिक करना है। तो ये देख आपको एक शेप नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करके सर्कल वाला कर लेना है, सर्कल वाला कर लेना है। उसके बाद जो है जिस पर हमारी डीपी लगेगी, अगर आपको कुछ चाहें यहाँ पर भी रख सकते हैं, वरना आप इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे, इसको भी हम स्ट्रोक इनेबल कर देंगे ब्लैक कलर का। तो गैस ये ब्लैक कलर का स्ट्रोक आ गया। उसके बाद मैं शेडो इनेबल कर दूंगा ब्लैक कलर का। उसके बाद इसको भी मैं यहाँ से लॉक कर लूँगा। तो गैस उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको जो है नज़र आ रहा है शेप। तो इस पर क्लिक करके आपको एरो वाला कर लेना है। तो गैस उसके बाद टिक करेंगे, तो उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ये वाला। तो इस पर हमने जो है क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। उसके बाद हम इसको पीछे से कुछ पतला कर लेंगे इस एरो को। तो गैस कुछ इस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद टिक करेंगे। तो इसको हम कुछ छोटा करके अपनी इस गोल डीपी के ऊपर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो गैस उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ से लॉक कर लेता हूँ। सॉरी, पहले मैं इसको यहाँ से एक शेडो दे देता हूँ ब्लैक कलर का, और इसको मैं यहाँ से स्ट्रोक भी किसी कलर का भी दे देता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं इसको यहाँ से लॉक कर लूँगा। तो अब बारी आती है इस पर लिखने की। तो गैस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके टेक्स्ट चूज़ करेंगे, टेक्स्ट पर डबल टैप करेंगे। तो उसके बाद जो है हम न्यू टेक्स्ट को क्रॉस करेंगे। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर लिखेंगे मोर वीडियोज़। तो गैस मोर वीडियोज़ मैंने लिख लिया है।
तो उसके बाद ए पर आएंगे हम, तो यहाँ पर आपको जो है कलर देखने को मिलेगा। कलर को आपने जो है यहाँ से ब्लैक कलर कर लेना है। तो गाइस उसके बाद नीचे आना है, हमने ए बी फॉन्ट पे क्लिक करना है। माय फॉन्ट में से जो है आपने अमेरिकन कैप्टन कर लेना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस उसके बाद मैं इसको कुछ इतना बड़ा करूँगा और इस एरो के ऊपर लगाऊंगा। उसके बाद नीचे जाएंगे सीधा, हम इसको शेडो इनेबल कर देंगे। तो इसका शेडो हम इनेबल करके इसको हम कोई भी कलर कर देंगे। तो मैं इसको वाइट कलर कर देता हूँ। तो गाइस उसके बाद टिक करूँगा। तो उसके बाद मैं कुछ इसको नीचे से इस तरीके से रोटेट कर लूँगा। तो गैस उसके बाद इसको यहाँ पर जो है लॉक कर लेते हैं। तो गैस उसके बाद दोबारा प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके टैक्स करेंगे, डबल टैप करेंगे इस पर, और यहाँ से हम टैक्स को डिलीट करके यहाँ पर लिख देंगे सब्सक्राइब टू। तो गैस अभी आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जो है प्रेस कर दें। इस पर भी जो मैं अमेरिकन कैप्टन लगाने वाला हूँ, तो इसको कुछ मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। तो गैस उसके बाद मैं इसको यहाँ ऊपर रख लेता हूँ यहाँ सेंटर में। तो उसके बाद जो है कलर आते हैं कलर पर, तो इसका कलर आपने रेड कर लेना है। तो उसके बाद जो है नीचे जाते हैं, यहाँ से आपको शेडो पर क्लिक करके आपने इसका शेडो वाइट रख लेना है। तो गैस उसके बाद ऊपर स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक इनेबल कर लेना है, और ये फोर पर हुआ है इसको हम थोड़ा सा काम कर लेंगे। तो गैस उसके बाद टिक करेंगे तो इसको भी हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे। तो गैस अभी क्या करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके टैक्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अपने चैनल का नाम लिख लेना है। तो मैं अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ सैयद सादी। तो गैस के बाद मैं इसको यहाँ से टिक करूँगा। तो उसके बाद जो है यहाँ ए बी फॉन्ट में से मैं इसको अमेरिकन कैप्टन दूँगा, क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अमेरिकन कैप्टन। तो इसको मैं कुछ इतना बड़ा करूँगा। तो गैस उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ ऊपर आपको आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा बी स्टाइल, इस पर आपको क्लिक करके आपको यू पर क्लिक कर लेना है। इससे यह होगा कि आपके नेम के नीचे लाइन लग जाएगी। तो गैस इसके बाद जो है सीधा हम स्ट्रोक पर आएंगे, कलर है इसको वाइट रहने देना है, तो इसको यहाँ से हम ब्लैक स्ट्रोक कर देंगे। तो गैस उसके बाद इसको मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो गैस उसके बाद मैं इसको भी यहाँ से लॉक कर लेता हूँ। तो गैस अभी जो है मैं इसको और एरो को अनलॉक कर लेता हूँ। मोर वीडियोज़ को भी जो है मैं अनलॉक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मोर वीडियोज़ को ऊपर ले आते हैं, एरो को भी थोड़ा सा हम ऊपर ले आते हैं यहाँ पर, और अपनी डी पी को भी यहाँ ऊपर ले आते हैं इधर। तो उसके बाद जो है मैं अभी एरो को थोड़ा नीचे ले आता हूँ और मोर वीडियोज़ को भी यहाँ पर ले आता हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इन तीनों को दोबारा से अनलॉक कर दूँगा। तो गैस उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके टैक्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ से इसको कट करके हमने लिख लेना है थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग लिख के इसको यहाँ से हमने टिक करना है। उसके बाद हमें ए बी फॉन्ट पर क्लिक करना है। तो इसको मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट दे देता हूँ, बोगालो रेगुलर, ये वाला इसको मैं जो है यहाँ पर कर लेता हूँ। इससे ये होगा कि हमारा फॉन्ट कुछ छोटा हो जाएगा, और इसको हमने यहाँ से ब्लैक कलर कर लेना है। तो गैस ब्लैक कलर करने के बाद इसका स्ट्रोक हम जो है वाइट कर लेंगे। ये इसका स्ट्रोक है, तो यहाँ से इसको वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शेडो पर इसको इनेबल करके थोड़ा सा हम काम कर लेंगे। तो गैस उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको कुछ छोटा करूँगा। तो उसके बाद ये ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है स्पेसिंग, बस पर आपने क्लिक करना है। तो इसको हम कुछ यहाँ से लंबा कर लेंगे। तो गैस उसके बाद हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद सॉरी टेक्स्ट को हम डिलीट करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से लॉक कर लेंगे। तो गैस अभी जो है हमारी एक प्रोफेशनल तरीके से हमारी जो है ये एडिट हो गई है एंड स्क्रीन। तो इसको जो है डाउनलोड कैसे करेंगे, मेमोरी कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है कस्टम पर क्लिक करके इसको वेरी हाई पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर लेंगे। तो गैस अभी मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी जो है बनाकर दिखा देता हूँ। तो सीधा जो है मैं दोबारा इस पर आता हूँ, और यहाँ से मैं वो इमेज साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इमेज साइज पर वो हम थंबनेल वाला करेंगे। तो टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। तो गैस उसके बाद प्लस वाले करके क्लिक करके शेप करेंगे। तो हम इस पर जो है थोड़ा सा कलरफुल बनाने वाले हैं। तो जो पहले बनी है वो अभी काफ़ी अच्छी बनी है। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ। अभी ये रोटेट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हमने इसको 30% तक कर लेना है।
मैं इसको यहाँ से 30% का कर लेता हूँ। तो इसको मैं कुछ यहाँ पीछे ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ से कुछ बड़ा भी कर लेता हूँ। तो गैस इसको मैं कुछ यहाँ पर एडजस्ट करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ से लॉक कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट हुआ रहेगा। तो इस पर हमको अच्छा सा एक कलर कर देते हैं। तो कलर इनेबल करके हम यहाँ से इसको येलो कलर कर लेते हैं। तो उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हम शेप्स पर क्लिक करेंगे। तो एक इसी तरह की शेप हम इस साइड पर भी एक लगा लेंगे। तो इधर सीधा रोटेट पर क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ से भी इसको हम 30 पर कर लेंगे। तो इसको 30 पर क्लिक कर लिया। तो अब हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो गाइस इसको कुछ इस तरीके से हम रख लेंगे यहाँ पर। तो उसके बाद इसको लॉक करेंगे, इसको अनलॉक करके इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं। और इसको भी हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके हम शेप पर क्लिक करेंगे और एक और यहाँ से हम बड़ी शेप लेंगे। इसका कलर हम नीचे से कुछ चेंज कर लेंगे। तो ये कलर मैं रख लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया और लेयर पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ सबसे। तो गाइस उसके बाद जो है हम वाइट वाली लेयर को क्लिक करते हैं, येलो वाली को। तो इसको हम यहाँ से स्ट्रोक कर लेते हैं ब्लैक कलर का। तो यहाँ से ब्लैक कलर आप सेलेक्ट करके इसको आपने 4 पर कर लेना है। तो उसके बाद जो है हम फिर ऊपर वाइट वाली को चूज़ करेंगे, यहाँ से भी हम इसको ब्लैक कलर कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से 4 पर ले आएंगे। तो गाइस अभी देखें कुछ इस तरह की लुक जो है हमारे सामने नज़र आ रही है। तो इसके सामने जो है ब्लैक स्ट्रोक नहीं चला गया, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो हम इस पर कोई और कलर कर लेते हैं। तो गाइस रेड कलर करके देखते हैं, रेड कलर भी जो है अच्छा ही है। तो इस तरह आपने जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कर लेना है, ज़रूरी नहीं जो मैंने किए आप वही कलर करें, आप कोई और कलर भी इन पर कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद जो है हम उसी तरह जो है प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करेंगे और सेम वही वाला साइज हम कर लेंगे। कुछ हम काम करके यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको हम यहाँ पर रख लेंगे। उसके बाद जो है इसका हम शेडो इनेबल करेंगे ब्लैक कलर का और यहाँ से इसको स्ट्रोक करेंगे ब्लैक कलर का। तो इसके बाद सीधी इसकी हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो इसको नीचे वाले को लॉक करके इसको भी हम यहाँ पर ले आएंगे। तो इसको भी हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके शेप पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इसको हम सर्कल में कन्वर्ट करेंगे और इसको कुछ इतना छोटा करके हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं। यह इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, जहाँ आपका दिल करे आप इसको वहाँ भी रख सकते हैं। तो उसके बाद इसको ब्लैक कलर करेंगे, शेडो भी इनेबल कर देंगे। ब्लैक शेडो जो है इस पर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद जो है बाकी आप लिखाई कर लेंगे उसी तरीके से। तो मैं यहाँ कट करके लिख देता हूँ मोर वीडियो, मोर वीडियोज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ सीधा ए पर आएंगे। ए बी फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से कोई भी अच्छा सा हम फॉन्ट दे देंगे। तो इसको मैं यहाँ से ये वाला फॉन्ट और इसको कदर मैं यहाँ से दे देता हूँ ये वाला। तो गाइस उसके बाद जो है मोर वीडियोस, इसको हम इन दो शेप्स को हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे यहाँ पर और इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर लेंगे। उसके बाद जो है दोनों को दोबारा से हम लॉक कर देंगे। उसके बाद जो मोर वीडियोज है इसको हम यहाँ ऊपर ले आएंगे। उसके बाद हम जो है इसका शेडो इनेबल कर देंगे, इसको हम येलो कलर कर देंगे। तो गाइस इसके बाद जो है हम यहाँ पर सब्सक्राइब लिख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से सब्सक्राइब टू, सब्सक्राइब टू सही है। तो
उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको ए बी फॉन्ट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से आपको कोई भी अच्छा सा ए बी फॉन्ट लगा लेना है। तो गाइस इसके बाद जो है आपको ये स्पेसिंग वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने इसको कुछ स्पेस दे देनी है। तो गाइस उसके बाद जो है इसको यहाँ से आपने एक कलर कर लेना है कोई भी अच्छा सा। तो मैं इसको यहाँ से रेड कलर कर लेता हूँ, और जिस स्ट्रोक पर क्लिक करके आपने इसको ब्लैक कलर कर लेना है। तो गाइस इसी तरह आप लिख कर जो है आगे जो वगैरह वगैरह आप लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं। तो मेमोरी कार्ड पर ऑप्शन पर क्लिक करके सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करके वेरी आई पर क्लिक करके सेव टू गैलरी कर लेंगे। तो गाइस अभी हम सीधा चलते हैं अपने काइन मास्टर में और इस पर गाने लगा के इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपके पास कोई भी कॉपीराइट फ्री सॉन्ग हो तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। तो गाइस मैं अभी यहाँ जो है 16:9 चूज़ कर लेता हूँ। तो मीडिया पे क्लिक करने के बाद जो अभी हमने पिक्सेल लैब में बनाई है, तो पिक्सेल लैब में भी हमने ये वाली जो पहले बनाई थी इस पर गाना लगा लेते हैं, और इसको हम यहाँ से कुछ इस तरीके से जूम आउट कर लेंगे। तो गैस पर इक्वल पर क्लिक करने के बाद आप इसको जो है तकरीबन 7 सेकंड तक रख लें। तो उसके बाद जो है आप कॉपीराइट फ्री सॉन्ग डाउनलोड कर लेना है ऑडियो पर क्लिक करके। तो मैं यहाँ से वो वाला लगा लेता हूँ। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ से इसको ट्रिम टू राइट कर लेता हूँ। तो उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करके हम ऑडियो फेड को ऑफ करके इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो उम्मीद है गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।